विश्व विख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए छठे, सातवें व अष्टमी नवरात्र को 24 घंटे मंदिर खुला रहेगा। इन तीन दिनों में सिर्फ मंदिर आरतियों के लिए बंद रहेगा। ज्वालामुखी मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं को लाइनों में लगाकर दर्शन करवाए गए। विश्व विख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए छठे, सातवें व आठवें नवरात्रे को मंदिर 24 घंटे खुला रहेगा। ज्वालामुखी मंदिर में नवरात्रों के पांचवें दिन भी काफी लाइनें लोगों की देखने को मिली। एसडीएम अंकुश शर्मा ने बताया कि ज्वालामुखी मंदिर में सावन महीने के नवरात्रों में बाहरी राज्यों, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली व यूपी से श्रद्धालुओं की लगातार संख्या को ध्यान में रखते हुए अब मंदिर अगले दिनों में 24 घंटे तक खुला रहेगा। इन तीन दिनों में सिर्फ मंदिर आरती के लिए ही बंद रहेगा और मंदिर प्रशासन ने व्रत वाले श्रद्धालुओं के लिए फलाहार की व्यवस्था लंगर में की है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा की सारी व्यवस्था हो चुकी है, जिससे किसी भी श्रद्धालु को परेशानी का सामना ना करना पड़े। पंचकुला से आए श्रद्धालु ने बताया कि ज्वालामुखी मंदिर में नवरात्रों के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। प्रशासन द्वारा काफी अच्छे इंतजाम किए गए हैं, इससे श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं हो रही है और ज्वाला माँ के खुले दर्शन हो रहे हैं। मैं पवन कुमार बरवाड़ा, डिस्ट्रिक्ट पंचकुला से आया हूँ और यहाँ पे माता रानी के नवरात्रे चल रहे हैं और प्रशासन का बहुत अच्छा इंतजाम है, इससे किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की भी कोई चिंता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है और माता रानी के खुले दर्शन हो रहे हैं। ऐसे ही आशा करते हैं कि प्रशासन ऐसे ही व्यवस्था बनाए रखे और माता रानी के दर्शन सब लोगों को अच्छे से होते रहें। जय माता की। चंडीगढ़ से आई महिला श्रद्धालु ने बताया कि ज्वाला माँ के दर्शन के लिए परिवार सहित पहुंची हैं और प्रशासन का इंतजाम अच्छा है और माँ के दर्शन खुले हुए हैं। चंडीगढ़ से आई हूँ, माता रानी को बहुत अच्छा दर्शन, प्रशासन का इंतजाम कैसा है? प्रशासन के इंतजाम बहुत अच्छा है। दर्शन कैसे हुए? दर्शन बहुत खुले हुए, बहुत अच्छा है। पिछले कल से यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु आ रहे हैं तो हमने ये डिसाइड किया है कि 6, 7, 8 को यात्रियों की सुविधा के लिए मंदिर परिसर 24 घंटे खुला रहेगी, जो आरती का समय है उसको छोड़ के। जो आरती का समय है उसमें कुछ टाइम के लिए मंदिर बंद करते हैं, उतना टाइम बंद रहेगा। अदरवाइज जो है वो यात्रियों को दर्शन के लिए मंदिर खुला रखा जाएगा। इसके अलावा जो लोग व्रत वाले हैं उनके लिए हमने फलाहार की व्यवस्था अपने लंगर में करी हुई है। इसके अलावा सुरक्षा के भी हमने सारे इंतजाम करके रखे हैं। फिर भी अगर कोई किसी यात्री को कोई असुविधा हो या कोई सुझाव हो तो भी हम बार बार अनाउंसमेंट्स भी पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम यहाँ पे हमने इंस्टॉल करवाया हुआ है, अनाउंसमेंट्स करवा रहे हैं, तो जो श्रद्धालु हैं, यात्री हैं, वो हमारे से संपर्क कर सकते हैं।